नमस्कार। हम आज एनक्लेस के कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एपिडेमिक? तो एपिडेमिक, पैंडेमिक एंड एंडेमिक, ये तीन टर्म होती हैं जिनके बीच में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये क्या है। तो यही एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो व्हाट इज़ एन एपिडेमिक? एपिडेमिक का अर्थ होता है एन आउटब्रेक ऑफ ए कॉन्टेगियस डिजीज दैट स्प्रेड वाइडली एंड रैपिडली विद इन ए पॉपुलेशन एंड ए रीजन, या फिर किसी रीजन में। तो ये आउटब्रेक होता है एक तरह से, जो कॉन्टेगियस डिजीज होती है उसका। और वो डिजीज़ कैसे फैलती है? वाइडली, काफ़ी सारे एरिया में फैलती है, और रैपिडली, बहुत रैपिडली फैलती हैं। जैसे कि कोविड-19 जो अभी चल रहा है, वो पहले वुहान और उसके आसपास के जो सिटीज़ थे उसमें वाइडली और रैपिडली फैल रही थी। वो कॉन्टेगियस डिजीज़ थी और उसका आउटब्रेक था। लेकिन जब वही कोविड-19 और कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स और पूरे ग्लोबली वर्ल्ड में फैल गया, तो उसको बोलते थे पैंडेमिक। तो यही है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ पैंडेमिक? तो पैंडेमिक का है कि व्हेन एन एपिडेमिक, एपिडेमिक जो है वो स्प्रेड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड फैल जाती है। जैसे कि बहुत सारे देशों में फैल रही है, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में फैल रही है, तो उसको हम बोलते हैं पैंडेमिक। जैसे कि हाल ही रिसेंटली में कोविड-19 है पैंडेमिक। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ एंडेमिक? एंडेमिक मीन्स होता है कि एक पर्टिकुलर जो एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया, उसमें वो डिजीज़ कॉमनली पाई जाती है। तो है जैसे कि एन एंडेमिक डिजीज इज़ द वन दैट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन। जैसे कि इसका एग्जांपल है मलेरिया, जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, अफ्रीका है, लेटिन अमेरिका है, वहाँ पर मलेरिया प्रेजेंट ही रहती है। ये एंडेमिक डिजीज़ होती है। तो ये हो गया एंडेमिक, पैंडेमिक एंड एपिडेमिक के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ कार्डियक कैथेटराइजेशन शुड द नर्स मॉनिटर फॉर इन द इनिशियल 24 आवर आफ्टर द प्रोसीजर? जब हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं, तो उसके बाद किसी भी नर्सिंग पर्सनल को अंडर 24 घंटे के क्या मॉनिटर करना चाहिए, किस कॉम्प्लिकेशन को? तो ये होने के चांसेस होते हैं इसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं 24 आवर तक? थ्रोम्बस फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ मीनियस डिजीज़? तो मीनियस डिजीज़ होती है रिलेटेड टू ईयर, कान की डिजीज़ है इसमें। तो इसमें मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मैनिफेस्टेशन होता है वर्टिगो, चक्कर आना। सेवन क्वेश्चन है, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द क्लाइंट बी गिवन बिफोर अंडरगोइंग पैरासेंटेसिस? जब पैरासेंटेसिस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे, उससे पहले उस पेशेंट को या क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है? तो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको एम्प्टी ब्लैडर बिफोर प्रोसीजर। मीन्स पैरासिंटेसिस जो प्रोसीजर है, उससे पहले उसको बोला जाता है कि आप ब्लैडर को एम्प्टी करके आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेन कंट्रोल्स द पेशेंट विद एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस? एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस यदि किसी क्लाइंट को, पेशेंट को हुआ है, तो ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए? पेन कंट्रोल के लिए कौन सी होती है? तो ये होती है मेपेराडीन। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के केस में मेपेराडीन का यूज़ होता है फॉर पेन कंट्रोल।
नाइन्थ क्वेश्चन है, विच इज़ द बेस्ट पोजिशन फॉर ए क्लाइंट विद ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। तो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया में मेनली हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो उस पेशेंट को जिसकी ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया है उसके लिए बेस्ट पोजिशन क्या होती है? तो उसके लिए बेस्ट पोजिशन होती है हाई फाउलर पोजिशन, हाई फाउलर पोजिशन। टेंथ एंड लास्ट क्वेश्चन है, ए मेजर साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन यूज़ दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। इंसुलिन का मेजर साइड इफेक्ट क्या होता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है? तो ये होता है हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि जो इंसुलिन है उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में देते हैं, तो इंसुलिन देने के बाद में ग्लूकोज का लेवल कम आ जाता है, और वो एक ऐसा लेवल आना जो कि डेंजरस हो वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। तो यही इसका मेजर साइड इफ़ेक्ट है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो आज हमने एनक्लैक क्वेश्चन आंसर्स में एपिडेमिक, पेंडेमिक एंड एंडेमिक के बीच में डिफरेंस, और उसके अलावा 7 क्वेश्चन और किए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।